तो मेरी नानी देखो जो दोस्तों यहाँ आने का एक ही रीजन है यार ना मुझे ना 101% विश्वास है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आप सभी को दिल से नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक हो और एकदम मस्त हो। अभी आ रखे हैं आइस बीटी देहरादून। जग्गी को भेज रहे हैं उसके घर। बेचारा कल उल्टी मार मार के आ रखा है देहरादून उसके अंबाला की बस में। जब भी देखोगे गाड़ी में देखोगे, जो भी मैं आपको थोड़ा गाड़ी से बाहर का व्यू दिखाता हूँ तो मैं वो अपने तरफ से बाहर जाता हूँ कि नहीं कि आप भी परेशान हो जाओगे कि ये बंदा गाड़ी में रहता है। जिस वजह से मुझे बहुत दिक्कत है आप लोगों को अच्छा दिखाने के चक्कर में। मुझे बहुत दुख होता है कि मेरी पब्लिक क्या बोलेगी, ये तो नूबड़ा गाड़ी में ही दिखाता हर चीज। दोस्तों माफ करना। पहुंच चुके हैं दोस्तों घर और अब चलते हैं अंदर की तरफ। क्या है रुझान आज का, कहाँ जाते मेरे घर वाले? तो मेरी नानी देखो जो कि मार रही है नानी। अरे नानी, ये मेरी नानी और ये मेरा नाना पाजू। चुप रहा है, देखो जरा देखो नाना को। नाना शर्मा रहा है। ये गाड़ी वाली ड्यूटी लग चुकी है अब मेरी। अब थोड़े दिन आपसे माफी मंगा रहे हैं इन एडवांस कि थोड़े दिन ऐसे ही ब्लॉग आएंगे गाड़ी के अंदर और गाड़ी के बाहर के कहीं घूमने। दोस्तों अभी मैं आया था बसंत विहार और बसंत विहार से जा रहा हूँ अब वापस प्रेम नगर, क्योंकि मेरी भाभी को लेके आ रहा हूँ क्योंकि उनका थोड़ा काम है और भैया को मैंने बसंत विहार ड्रॉप कर चुके हैं। यार ना मुझे ना 101% विश्वास है कि जिस तरीके से मैं ब्लॉग बनाता ना उस तरीके से आप पक्का सोचते हो गए यार क्या पजामा आदमी है, ब्लॉग बना रहा वहाँ और एक ही चीज़ दिखाता है, इंटरटेनमेंट भी नहीं करता। तो मैं दोस्तों आपको इसीलिए बोलता हूँ अगर आप मुझे थोड़ा ये बताए कि कुछ इंटरटेनमेंट, कॉमेडी, एक्शन, ड्रामा, तो मैं उस तरीके से ब्लॉग को डिजाइन करूँगा। दोस्तों अभी पहुँच चुके हैं जाखन और जाखन में अभी थोड़ी देर भाभी भैया का काम है, तब तक मैं गाड़ी में बैठा रहता हूँ क्योंकि बाहर बहुत शोर शराबा रहता है जिस वजह से मेरे कान दर्द होते हैं और मेरे कान से खून निकलता है जब ज़्यादा शोर होता है। तो अभी थोड़ी देर लेडीजों के साथ आना मतलब बहुत दुख भरा काम है। लेडीजें पता नहीं क्यों इतना टाइम लगाती हर जगह यार। जीते हैं जरा थोड़ा सुकून भरी जिंदगी जीते हैं क्योंकि आज सुबह से लेकर गाड़ी में फट चुकी है मेरी और मुझे यहाँ तक भर चुकी है मेरी जिंदगी। मैं रायपुर में आया हूँ और यहाँ थोड़ा शीतल रानी से और बंशिका रानी से मिलने आ रखे थे मेरी भाभी जी और अब हम चलते हैं उनको ड्रॉप करके। अभी मेरे साथ कोई भी नहीं है और मैं अकेले जा रहा हूँ, ऐसे भी कोई भी हो तो उसका भी कोई मैटर नहीं करता क्योंकि कोई आगे तो आता नहीं कैमरे के, इसीलिए मैं अकेले जा रहा हूँ और मैं अकेले चलते रहूँगा। अकेले आए हैं और अकेले ही जाएंगे और अकेले ही मरेंगे। तेरी कमरा थोड़ी सोनी, तेरी चाल बदली, तेरी कमरा सोनी सोनी तेरी चाल। पहुंच चुका हूँ दोस्तों अपनी मंजिल पे और चलो आपको दिखाते हैं यहाँ पे। दोस्तों यहाँ आने का एक ही रीज़न है क्योंकि यहाँ पीसफुल है और मुझे पीसफुल लाइफ चाहिए। आप जैसे देख रहे हो चारों तरफ वादियाँ वादियाँ है।
घर जाने का टाइम, क्योंकि भाभी का फोन आ चुका है कि बेटा आ जाए अब बहुत। दोस्तों तुम्हारी जरूरत है, गांव टूड़ियों तुम्हारी जरूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूले, और दोस्तों दबा के लाइक एंड शेयर करो। थैंक यू।